नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश, और खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। जनसंपर्क मंत्री अतुल मिश्रा ने दतिया में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का किया शुभारंभ। उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इंदौर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो 2017 का किया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का शुभारंभ किया। शुभारंभ अवसर पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नेत्र शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आंख के बिना दुनिया में अंधकार है। नेत्र ज्योति प्रदान करने का कार्य सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है और इसे करने वाले बधाई के पात्र हैं। वहीं शिविर के पहले दिन 285 लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया। जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को दतिया में 501 हाथ ठेला और पथ विक्रेताओं को पंजीयन प्रमाण पत्र बांटे। नगरोदय अभियान में नगर पालिका द्वारा फुटपाथ विक्रेता और हाथ ठेला चालकों का पंजीयन किया जा रहा है। पंजीकृत व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। वहीं जनसंपर्क मंत्री ने कलेक्टर के प्रयासों की प्रशंसा की। जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि कुछ योजनाओं में दतिया का स्थान प्रथम बना है, अन्य योजनाओं में भी इस स्थान पाने का प्रयास करें। वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार नरसिंहपुर के घाट पिपरिया में नर्मदा सेवा यात्रा में सपत्नीक शामिल हुए। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि मां नर्मदा के आचमन योग जल को गंदा ना होने दें, ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे मां नर्मदा का जल अशुद्ध हो। साथ ही उन्होंने कहा कि जो किसान अपनी निजी जमीन पर फलदार वृक्ष लगाएंगे उन्हें शासन की ओर से 3 वर्ष तक 20,000 रूपए प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष सहायता दी जाएगी। ये केवल प्रदूषित की बात नहीं है, यह अशुद्ध करने की बात है, उस जल को अशुद्ध करने की बात है जिसका हम आचमन करते हैं। तो ये इस नर्मदा सेवा का उद्देश्य है। शिवराज जी ने तय किया है कि बिना ट्रीटमेंट के कोई भी नर्मदा में एक बूंद भी जल प्रवाहित नहीं किया जाएगा। यदि ट्रीटमेंट के बाद भी पानी शुद्ध नहीं होता तो उसे खेतों में ले जाएंगे, मगर नर्मदा जी में नहीं लाएंगे हम। इंदौर मध्य प्रदेश में उद्योगों के निवेश के लिए मुख्य द्वार है। उद्योगपति इंदौर और इंदौर के आसपास ही प्रारंभिक रूप से औद्योगिक निवेश करने के इच्छुक रहते हैं। जीआईएस 2016 में भी 5,00,000 करोड़ के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए थे, जिसके द्वारा 2,500 से अधिक उद्योगपतियों ने उद्योग मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। हमारा प्रयास भी रहा है कि एक बार कोई भी उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आए तो उसे हम सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ये बात उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इंदौर में औद्योगिक इंजीनियरिंग एक्सपो 2017 का शुभारंभ करते हुए कही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए MSTV। नमस्कार। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे।